हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए टीचर डे के लिए बड़ी सरल स्पीच लेकर आया हूँ, जिसको आप बड़ी आसानी से याद करके स्कूल में बोल सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सबके लिए गुड मॉर्निंग बोलना है, तो क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड। फिर आपके इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें आपका नाम बोलना है आपको और क्लास का नाम बोलना है। फिर इसके बाद आपको तीसरे पॉइंट के द्वारा आपको सभी के लिए टीचर डे की शुभकामना वर्णन करना है। तो लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई विश, मैं चाहता हूँ, यू मतलब सभी के लिए, ऑल ए वेरी हैप्पी टीचर डे, मतलब टीचर डे की शुभकामना देना चाहता हूँ। फिर आपको फोर्थ पॉइंट बोलना है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वी ऑल आर गेदर, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं टू सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। फिर आपको फिफ्थ पॉइंट बोलना है, दिस डे सेलिब्रेट, ये दिन मनाया जाता है थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में मनाया जाता है एज अ टीचर डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपको सिक्स और सेवन पॉइंट बोलना है, जिसके द्वारा आप टीचर की क्वालिटी का वर्णन कर सकते हैं, जो टीचर के बारे में कुछ बोल सकते हैं। टीचर आर आवर रियल हीरो एंड बेस्ट फ्रेंड, टीचर आवर टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर लाइफ बेटर। जो शिक्षक हैं वो हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं और जो रियल हीरो होते हैं हमारी ज़िंदगी के। और सेवन्थ में लिखा है कि जो टीचर है वो हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप अपनी स्पीच ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लास्ट पॉइंट बोलेंगे, एंड लास्ट अंत में आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू थैंक, मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऑल द टीचर का, हु टीचर्स, जो हमें पढ़ाते हैं, एंड हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं, लर्न मतलब सिखाने में, न्यू थिंग्स एवरी डे, प्रत्येक दिन नई नई चीज़ें सिखाने में जो मदद करते हैं। फिर आपको सबसे लास्ट में बोलना है, थैंक यू वेरी मच।